जीएसपी पार्टी जिंदाबाद, जीएसपी पार्टी जिंदाबाद, जीएसपी पार्टी जिंदाबाद। एयर कंडीशनर को वोट दो, एयर कंडीशनर को वोट दो, एयर कंडीशनर को वोट दो। डॉक्टर रमन, डॉक्टर रमन जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर रमन को वोट देकर विजय बनाए, विजय बनाए। डॉक्टर रमन को वोट देकर विजय बनाए, डॉक्टर रमन को वोट देकर विजय बनाए। जीएसपी पार्टी जिंदाबाद, जीएसपी पार्टी जिंदाबाद। नव कुमार सरनिया जी जिंदाबाद, जीएसपी पार्टी जिंदाबाद। सामने चलते हुए आइए, हाँ आइए, सब जने मिलके चलते हुए, सामने आना है, सामने आना, हाँ सामने चलते हुए, चलते हुए। पेशे से डॉक्टर हूँ और खैरताबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी से उम्मीदवार हूँ। भाई एज अ डॉक्टर, एज अ मेरा प्रोफेशन है, फिर भी बहुत बार मैं देखा कि खैरताबाद डिवीज़न की हालत बहुत पिछड़ी हुई है। पिछले 10 साल में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई यहाँ पे, पीने का पानी नहीं है, सोसाइटीज़ लाखों रुपए का पीने का पानी खरीदने को मजबूर है। उसमें बाज लोग जो है पेंशन पे है, जिनको कि इनकम बहुत कम है, लेकिन वो लोग पानी खरीद के पीने पे मजबूर है। 10 साल से यहाँ के MLAs को, ऑफिसर्स को रिप्रेजेंटेशन देने के बाद भी पीने का पानी मुहैया नहीं कराया गया। आज भी लोग टैंकर से खरीद के पानी लेते हैं। स्कूलों का हाल बदहाल है, जहाँ बच्चे हैं वहाँ टीचर नहीं हैं, जहाँ टीचर और बच्चे हैं वॉशरूम्स नहीं हैं। सरकारी स्कूल्स का बुरा हाल है और एजुकेशन के मामले में पिछड़ा हुआ है। आज राजभवन मक्ता की हालत देखिए आप जाके, प्रेमनगर की हालत देखिए आप, पीने का पानी नहीं है, बच्चों को एजुकेशन नहीं है, सरकारी स्कूलों का बदहाल है। और पिछले 10 साल से नेता जो है बरसाती मेंढकों की तरह चुनाव में आ जाते हैं और थोड़े पैसे बांटते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, फिर 5 साल के बाद फिर दिखते हैं। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ जनता को कि आपका वोट बहुत कीमती है। सिर्फ बिरयानी, थोड़ी सी शराब, थोड़े से पैसे के लिए आप लोग अपना कीमती वोट मत ज़ाया करिए। जो कैंडिडेट सेवा के भाव से आ रहे हैं, सेवा करने के लिए जनता की आ रहे हैं, उनको आप वोट दीजिए। और जो काम कर सके, जो आपके बीच ठहर सके, जो आपका काम कर सके, जो आपका दर्द, आपकी परेशानियां समझ सके, वो है। और यहाँ के हालात को देखकर एक कहावत याद आती है, जनता त्रस्त और नेता मस्त। वही हालत है यहाँ पर, नेता मस्त है। 5 साल तक जो है नेता पलट के नहीं देखता, ना तो जनता से मिलना पसंद करते हैं, ना तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। बस उनका खैरताबाद में कितना पैसा बट रहा है ये तो इलेक्शन कमीशन भी देख रहा है और सब लोग देख रहे हैं। खुलेआम पैसा बांटा जा रहा है वोट खरीदने के लिए। तो पैसों से वोट नहीं खरीदा जा सकता, ये हमें नेताओं को बताना है कि काम करना पड़ता है, ज़मीन पर हमारी तरह उतर के काम, जनता का दर्द समझना पड़ता है, जनता का दर्द दूर करना पड़ता है। तो पीने का पानी है, रोडों पे पानी भर जा रहा है, लोग जो है गंदे पानी में चलने को मजबूर है। कई रिप्रेजेंटेशन के बाद ना तो म्यूनसिपल कोई काम करती है, ना अफसर कोई काम करते हैं, ना MLA तक कुछ काम होता है। तो लिहाजा मैं खुद एक आम आदमी होके, एक पेशे से डॉक्टर होके आज जो है आप लोगों के बीच में आया हूँ। आप लोगों का ताउन, आप लोगों का सपोर्ट होना, आप लोग जो है उसको सपोर्ट करना है। और GSP पार्टी है, हमारी पार्टी है। नव कुमार सरनिया जी जो सिटिंग लोकसभा मेंबर है, उन्होंने पार्टी फाउंड किए हैं और 5 स्टेट में हम लोग इलेक्शन लड़े हैं, तेलंगाना में पहली बार लड़ रहे हैं इलेक्शन। तो आप लोगों का ताउन, आप लोगों का सपोर्ट होना है। तो दिखे नहीं 5 साल तक, अब ज़रूर दिख रहे हैं। और जो है 5 साल तक हम लोग अब इसी सोसाइटी से लीजिए जो हम लोग शुरू करेंगे, महेश्वरी टावर से। यहाँ पानी, पीने का पानी नहीं है, 10 साल से रिप्रेजेंटेशंस दिए गए, दानम नागंदर साहब को भी दिए गए, लेकिन हल कुछ नहीं निकला, खाली आश्वासन आश्वासन आश्वासन। वो बोलते ना तारीख पे तारीख मिली, पानी नहीं मिला। तो काम तो नहीं हुआ, पानी गंदा भर जाता है, गंदे पानी में चलने को मजबूर हैं, पीने का पानी नहीं है, डेवलपमेंट मुझे तो नहीं दिखती। अब वो कहाँ से डेवलपमेंट की है, खैरताबाद में तो कहीं नहीं दिखती डेवलपमेंट। तो आप जनता से क्या संदेश देना चाहते हैं, जनता क्यों आपको वोट डाले?
मैं जनता से, जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम जो है आम आदमी हैं, हम जनता का दर्द समझते हैं, हम ऑन ग्राउंड रियलिटी समझते हैं। तो इसलिए जो है हमारे को अगर जनता मौका दी तो हम पहले पानी को सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे, सरकारी स्कूल में टीचरों का बंदोबस्त कराएंगे, वॉशरूम बनाएंगे, सरकारी स्कूलों की हालत अच्छी करेंगे, क्योंकि एजुकेशन से ही इंसान आगे बढ़ता है। तो सरकारी स्कूलों को सुविधाएं मुहैया कराना, पीने का पानी का इंतज़ाम कराना, नालों का पानी भर जा रहा है, वहाँ कॉरपोरेटर भी काम नहीं कर रहे, उनको भी काम करवाना, और पूरे खैरताबाद एरिए का विकास कराना। तो ये हम कोशिश करेंगे कि जितने भी खैरताबाद डिवीज़न है उसको ज़्यादा से ज़्यादा काम करके आगे बढ़ा सके। मैं पेशे से डॉक्टर हूँ और GSP पार्टी जो कि नेशनल पार्टी है उससे MLA कैंडिडेट हूँ खैरताबाद से। पिछले कई दिनों से कुछ सवाल मेरे जहन में आते हैं कि हमारी आज़ादी को आज 77 ईयर्स हो गए, फिर भी हम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में क्यों आते हैं? हमारे से बाद जो देश आज़ाद हुए जैसे सिंगापुर आज बहुत डेवलप्ड है, हमारा देश ही क्यों डेवलप नहीं हो रहा? हमारी देश की जनता ही क्यों बीमार, बदहाल और गरीब है? आज बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पर क्यों है? तो जब मैंने एनालाइज करना शुरू किया तो हमें ये मालूम पड़ा कि इस देश के ज्यादातर नेता, मैं किसी पार्टी विशेष को नहीं बोलूंगा, ज्यादातर नेता अरबपति है और ज्यादातर जनता गरीब, बीमार, बदहाल। तो ऐसा क्या हो गया कि हमारे देश में डेवलपमेंट नहीं हो रही? इतना करप्शन कैसा आ गया कि सेंटर से, स्टेट से फंड निकलते हैं लेकिन ग्राउंड लेवल पे काम नहीं होता है? अब खैरताबाद को ही लीजिए आप, यहाँ पर पानी की समस्या है। प्रेमनगर, मक्ता, ऐसे बस्तियों को आप छोड़िए, बड़ी बड़ी सोसाइटीज में पीने का पानी नहीं है। पिछले 10 साल से रिप्रेजेंटेशन दे के, इवन मैं जिस इलाके में रहता हूँ उसमें भी हम लोग महीने का 1 लाख रुपए का पानी खरीद के पीते हैं। पिछले 10 साल से अफसरों को रिप्रेजेंटेशन दिया, MLAs को रिप्रेजेंटेशन दिया लेकिन काम नहीं हुआ। पानी के लिए जनता त्रस्त है, ड्रेनेज कॉरपोरेटर काम नहीं कर रहे हैं, ड्रेनेज का, नालों का गंदा पानी जो है सोसाइटियों में भर जाता है, गंदे नाले के पानी में पब्लिक चलने को मजबूर है। नेता जो है सिर्फ बरसाती मेंढकों के जैसा इलेक्शन में आते हैं, खूब पैसा बांटते हैं, वोट ले लेते हैं, फिर 5 साल तक गायब हो जाते हैं। आज मैं आम जनता से पूछना चाहता हूं, MLA की एक्सेस कितने लोगों के पास है? MLA कितने लोगों को मिलते हैं? मेरी किसी पर्टिकुलर पार्टी या किसी MLA से कुछ नहीं है, मैं तो जनरल आज जनता से सवाल कर रहा हूं, MLA मिले क्या 10 साल तक? हमें नहीं मिलते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आम जनता आगे आए, जैसे बाकी प्रोफेशंस में अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग हैं जो जनता की सेवा करना चाहते हैं, हमारे पॉलिटिक्स में भी अच्छे लोग आए जो जनता का दर्द समझे, जो ग्राउंड लेवल पे उतर के काम करे हमारी तरह, जो जनता का दर्द समझे, जो जनता को जो है समझ सके कि जनता को तकलीफ किस बात की है, उस तकलीफ को समझ के उसका कर सके। सरकारी स्कूलों में आज हाल बुरा हाल है जो है, या तो बच्चे हैं तो टीचर नहीं है, बच्चे और टीचर है सरकारी स्कूलों में तो बाथरूम नहीं है और बुरे हाल में है, मेडिकल फैसिलिटी सरकारी बुरा हाल में है। तो ऐसा क्यों है कि ग्राउंड लेवल पे MLA काम नहीं कर पाते, कॉरपोरेटर काम नहीं कर पाते? तो आज जो है आप लोगों ने इतने लोगों को इतने सालों तक वोट दिया, बड़े बड़े पार्टियों को वोट दिया, हम कोई बड़ी पार्टी से नहीं है, हम कोई करोड़पति नहीं है, आज एक आम लीडर को वोट देकर देखिए, मैं आपके भाई, आपके बेटे के वैसा आपका साथ दूंगा और जो है आपके साथ आधी रात को खड़ा रहूंगा, आपका दुख दर्द समझूंगा। तो आप लोगों ने इतने लोगों को वोट दिया, एक बार हमें भी मौका दीजिए। मैं जो है पूरी कोशिश करूंगा कि हमारे खैरताबाद डिवीजन को, हमारे तेलंगाना को, हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ा सके। जय तेलंगाना, जय भारत।